लेह नैना मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट वन में न्यू एडमिशन कराने के लिए स्पॉट एडमिशन का डेट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्पॉट एडमिशन के अंतर्गत कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि लिए स्पॉट एडमिशन के अंतर्गत भी सभी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा। साथ ही बताएंगे कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन होगा, कैसे आपको एडमिशन कराना है, कितना रुपया लगेगा और किस डेट से किस डेट तक एडमिशन आप लोगों को करा लेना है। तमाम जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। चलिए वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन होता है चैनल के माध्यम से अपडेट करा दिया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, आप देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। दोस्तों, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आपको पता है कि जो स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से एडमिशन कराने के लिए जिनका सेक्शन 2021-24 होने वाला था, चाहे बीएससी बीकॉम बीए, उसके लिए 2 मेरिट लिस्ट पहले ही जारी कर दिया गया है, फर्स्ट और सेकेंड, और उसके आधार पर भी एडमिशन हो जाना है, हो चुका है, ठीक है। और इस स्पॉट एडमिशन के अंतर्गत उसी स्टूडेंट का एडमिशन होगा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं कराए हैं या उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑनलाइन तो कराए थे एडमिशन कराने के लिए, लेकिन वह फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुए थे और फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुए थे, या सिलेक्शन तो हुए थे लेकिन एडमिशन नहीं कराए थे, तो उसी स्टूडेंट का एडमिशन होगा और उनका जो एडमिशन होना है वह 20 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। अब बात कर लेते हैं कि किस कॉलेज में होगा। जब आप ऑनलाइन कराए थे तो आपने सब्जेक्ट को सिलेक्शन किया होगा कि किस सब्जेक्ट से हमको एडमिशन कराना है। उसी सब्जेक्ट का सीट अगर उस कॉलेज में खाली होगा तो आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। अगर उस सब्जेक्ट का उस कॉलेज में एडमिशन सीट नहीं होगा तो आपका एडमिशन उस कॉलेज में नहीं होगा, फिर से आपको दूसरे कॉलेज में जाना होगा। यह जो होने वाला पहले आओ और पहले पाओ पर है, ठीक है। मतलब जिस कॉलेज में आप पहले पहुंचते हैं तो आपका एडमिशन उसी कॉलेज में ले लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो पैसा है कितना लग जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि जो पार्ट वन में न्यू एडमिशन हो रहा है 21 से 24 वाला सेक्शन में, चाहे बीएससी बीकॉम बीए, तो एक ही साथ तीनों चीज़ करा लिया जाता है, एडमिशन, एग्जाम फॉरम और रजिस्ट्रेशन। बार बार आपको साइबर कैफ का चक्कर नहीं मारना पड़ेगा। तो लगभग आपको जो पैसा लगेगा वह 2000 से लेकर 2500 तक लगेगा। अपने कास्ट के हिसाब से देख लीजिएगा और कॉलेज के हिसाब से, क्योंकि सभी कास्ट और सभी कॉलेज का अलग अलग फी है, इसलिए हम पूरा कन्फर्म नहीं बता सकते। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अपडेट के साथ।